सुल्तानपुर, शिमला और कुल्लू से ज्यादा ठंडा हो रहा। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिरने से लोगों के हाड़ कांप गए। सीजन की सबसे सर्द रात का रिकॉर्ड बन गया। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक दर्ज किया गया था। बर्फीली हवाओं के कारण सुबह कोहरे के बाद दोपहर में निकली धूप पे असर रही। मौसम विभाग ने अभी सोमवार तक शीतलहर इसी तरह जारी रहने की संभावना जताई है। शहरवासियों को सुबह से ही ठंड से अपना प्रकोप दिखना शुरू किया। कानपुर की सर्दी ने शिमला और कुल्लू तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शिमला में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज हुआ। सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम रही। विजिबिलिटी अधिकतम 50 मीटर दर्ज की गई। इसके चलते जरूरी काम के लिए निकले लोगों को खास परेशानी उठानी पड़ी। हाईवे पर वाहन लाइट जलाकर और रेंग रेंग कर आगे बढ़ते नजर आए। शहर में भी लोगों को अपने वाहनों की लाइट जलाकर ही चलना पड़ा। दोपहर को धूप निकलने पर लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन बर्फीली हवाओं की वजह से धूप बेअसर रही। शाम को सर्द हवाओं ने फिर से सिरहन और ठिठुरन पैदा कर दी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार तक मौसम में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही। इस बीच शीतलहर बनी रहेगी। आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश के आसार नहीं है।